हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, 10+2 के बाद हर कोई चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले या फिर एक अच्छी सिक्योर जॉब मिले। तो दोस्तों, इसके लिए एचपी पटवारी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 2+2 के बाद जो वैकेंसी आती है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में वो पटवारी की ही रहती है, और ये काफ़ी अच्छी जॉब भी होती है और विद इन द हिमाचल प्रदेश आपको जॉब करने का मौका भी मिलता है। तो दोस्तों, काफ़ी र्यूमर्स थे कि इसकी जो ग्रेजुएशन मांगी गई है, इस पर डिप्लोमा मांगा गया है, जिसको कमीशन के सचिव ने मना कर दिया था कि अभी बिल्कुल भी हमने कोई भी इसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो चेंज नहीं किए हैं। तो अभी तक जो एचपी पटवारी की जो बेसिकली क्वालिफिकेशन है वो 10+2 ही है, ठीक है। तो दोस्तों, इलेक्शन होने वाले हैं हिमाचल में, तो इलेक्शन के बाद आपको पटवारी की नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकती है। यही चीज़ हम सब इंस्पेक्टर के टाइम पे भी कहते थे कि सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो जब उसकी नोटिफिकेशन आई तो हमारे 5 बैच हो चुके थे, हमारा 5th बैच चल रहा था और अभी हमारा 7th बैच चल रहा है सब इंस्पेक्टर का। तो उन 5 बैचेस में से 3 बैचेस का तो सिलेबस भी खत्म हो चुका था। उसी प्रकार से अगर आप अभी से प्रेपरेशन शुरू करते हो एचपी पटवारी की भी, तो जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी तो तब तक आप एक बार सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। तो दोस्तों, एक बार अगर आप सिलेबस खत्म कर लोगे और उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगी तो आपने क्या करनी है, सिर्फ रिविजन। तो अदर स्टूडेंट से आप ऑलरेडी एक स्टेप क्या होंगे, आगे हो जाएंगे। तो इसीलिए हम अपना 3rd बैच लेके आने आ रहे हैं एचपी पटवारी का 13th of November को, जिसकी डिटेल्स आज की क्लास में मैं शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे कि एचपी पटवारी का सिलेबस और ट्रेंड क्या रहा है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो भाई, 10+2 ही रहेगी जो हमारी इसमें जो क्वालिफिकेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूँ तो 18 to 45, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी, 18 to 45 जो है वो एज लिमिट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन के ऊपर है। 10+2 अगर आप पास हैं तो आप पटवारी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है जी। इसके अलावा 18 से 45 यानी कि 18 to 45 हमारी एचपी पटवारी के लिए एज लिमिट होती है, और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है हमारे पास एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरीज को, यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 18 to 45 है, और जो रेस्ट कैटेगरीज हैं जैसे कि एससी है, एसटी है और ओबीसी है, उनके लिए 18 to 50 है, ठीक है। तो एज लिमिट का क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा एज लिमिट है। नेक्स्ट, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, उसके बाद आता है इंग्लिश 25, उसके बाद आता है जनरल नॉलेज 25, और उसके बाद आता है हिंदी 25। मतलब 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको लैंग्वेज के आएंगे, 25 इंग्लिश और 25 हिंदी, यानी कि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का आना भी जरूरी है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपकी हिंदी भी स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। उसके बाद 25 क्वेश्चन मैथ के, यानी कि मैथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पटवारी के एग्जाम में, ठीक है। और रेस्ट क्या है, जनरल नॉलेज जीके, जिसमें आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी एचपी जीके सब कुछ मिलेगा, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तो काफी वाइड है, बट ये हिंदी इंग्लिश और मैथ जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके इसमें जो है, अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर, तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन, दैट्स इट। इसमें ज्यादा कुछ पंगे नहीं है, बस इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। अब जो नई नोटिफिकेशन आएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आए, हो सकता है टाइपिंग के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो टाइपिंग भी आते हैं तो वो आपको मेंशन करेगा, क्योंकि ये मैं वो चीजें बोल रहा हूँ जो र्यूमर्स है, ठीक है। तो र्यूमर्स पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जो फैक्ट्स है उनके ऊपर फोकस करना है। जब तक जो कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट कुछ नहीं बोलती है तब तक हमने उनको नहीं मानना है, ठीक है ना। आजकल जो है सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पे काफी फेक न्यूज चलती है, तो उन पे आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ऑफिशियल जो हमारा कमीशन की जो वेबसाइट है, जब तक वहां से कुछ नहीं आता है आपने कुछ नहीं मानना है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट अगर देखें एग्जाम पैटर्न का, तो इस तरीके से पैटर्न रहता है बच्चे। 100 क्वेश्चंस रहते हैं जो मैंने आपको बताया ही था, 100 मार्क्स के रहेंगे, और इसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए तो यही हमारा एग्जाम पैटर्न भी है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ बैच 3 की, जो हम लेके आ रहे हैं आपका 13th of November से, तो उसकी डिटेल्स की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो बैच जो है ये ऑनलाइन रहेगा पूरा का पूरा, यानी कि पूरे हिमाचल में या कहीं भी, ऑल ओवर द इंडिया, आप जहाँ भी रहते हो आप कहीं पे भी इस बैच को देख सकते हो, इन क्लासेस को देख सकते हो, और ये क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी। आप एक क्लास को कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है। मान लो आपने एक बार क्लास देखी, आपको डाउट रहा है, तो आप इस क्लास को दोबारा देख लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद
क्लासेस रहेंगी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर क्लासेस होंगी, यानी कि अगर मान लो आधा हिंदी में लिखा हुआ है तो आधा इंग्लिश में लिखा होगा, दोनों तरफ बराबर, जैसे एग्जाम होता है ना कि क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश दोनों में है, उसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इज सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी छुड़वा दी या हिस्ट्री छुड़वा दी, हम सारा करवाएंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद लाइव डाउट सेशन होगा हर सैटरडे को, जो भी आपके डाउट्स होंगे मंडे टू फ्राइडे, स्पेशली अगर मैं मैथ की बात करूं वो तो डाउट्स ही डाउट्स होंगे, तो उसके लिए एक तो सैटरडे को लाइव डाउट सेशन रहेगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे आपका ग्रुप बनेगा, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे बैच को टेलीग्राम पे उनका ग्रुप बनेगा जिनमें वो डिस्कस कर सकते हैं कोई भी चीज, तो ये 24/7 फैसिलिटी है, ठीक है। और उसके बाद जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, क्लियर। बाकी कोर्स की अगर मैं बात करूं डिटेल्स की, तो 13 नवंबर से कोर्स शुरू होगा, इसकी एंड डेट रहेगी 28 मार्च। 4.5 महीने में पूरा कोर्स चलेगा। अब ये 4.5 महीने तक क्यों गया, क्योंकि इसमें मैथ होगा, हम कॉम्प्रिहेंसिव वे से पूरा मैथ कवर करेंगे, सारा कुछ करेंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर करेंगे इसमें, प्लस जो जनरल नॉलेज है उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस एचपीजी के करंट अफेयर्स 7 चीजें वो आएंगी। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश आएगा हमारे पास, तो सारा हम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, ठीक है। जो कोर्स की वैलिडिटी है बच्चे वो है 365 डेज। अब 365 डेज का मतलब क्या है कि जिस दिन आप कोर्स अवेल करोगे परचेज करोगे उसके एक साल तक आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। 28 मार्च को हमारी तरफ से सारी की सारी वीडियोस अपलोड होंगी, ऐसा नहीं है कि 28 तारीख तक ही आपको कोर्स सीखेगा। को मान लो अगर आप 13 नवंबर से अगर बैच ज्वाइन करते हो तो 13 नवंबर 2023 तक आपको ये बैच दिखेगा, ठीक है। 28 तक हम सारे लेक्चर्स इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगर मैं शेड्यूल की बात करूं, तो इस तरीके से ये बैच 3 है, इस तरीके से हम पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है वो खत्म करवाने वाले हैं बच्चे। इंग्लिश और एचपी जीके से शुरू करेंगे, क्योंकि इंग्लिश 25 नंबर की है हमारे पास, और एचपी जीके तो जनरल नॉलेज का पार्ट है, तो एक बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट, तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। 13 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक, 13 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक, सुबह 10 बजे क्लास और एक शाम को 5 बजे। फिर पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी चलेगा, फिर इकोनॉमी के साथ आ जाएगा हिंदी, ठीक है। क्योंकि देखो 25 का ये है और 25 का ये है, और ये सारे चारों मिला के आपके लगभग 20 नंबर बनाएंगे, तो 70 नंबर आपके हो जाएंगे लगभग 13 फरवरी तक, 2 महीने में, ठीक है, 3 महीने में। उसके बाद आपका हिस्ट्री चलेगा, दूसरी तरफ चलेगा मैथ। मैथ को मैंने एंड में रखा है, क्यों, क्योंकि अगर आपने प्लस टू करी है और अगर आपका गैप भी है कुछ, तो पढ़ने में थोड़ी आदत लगानी पड़ेगी पहले आपको, है ना। थोड़ी सी अगर आदत लगेगी तो उसके बाद आप अच्छे तरीके से कर पाओगे उसको, और ये आपकी आदत लगाने के लिए है। जब आपको पढ़ने का थोड़ा आइडिया हो जाएगा कॉम्पिटेटिव जितने भी है हमारे एग्जाम्स के लिए, तो फिर हम मैथ शुरू करेंगे। तो मैथ हमारा रहेगा लगभग 35 क्लासेस में, और आराम से करेंगे और सब कुछ करेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत होने वाली है स्टूडेंट्स को मैथ में रहेगी, और मैथ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे हम, क्लियर। चलिए तो ये था जी हमारा थर्ड बैच, आई होप आपको सारा पता चल गया होगा इसके बारे में। तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो ये बैच, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना है, ठीक है जी। अब इस बैच में अगर देखें डेमो लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो आपको डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे और बैच की पूरा कोर्स भी मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि बैच को ज्वाइन करने से पहले आप डेमो लेक्चर जरूर देखें। तो डेमो लेक्चर्स में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिल जाएंगे, आपको उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि किस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है जी। तो इसमें मैथ के अपना हिंदी के इंग्लिश के सबके आपको नोट्स भी मिलेंगे और लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप में से आपका कोई दोस्त है जिसने प्लस टू करी है और वो गवर्नमेंट जॉब चाहता है, तो भाई उसको भी इस बैच के बारे में जरूर बताएं। पटवारी की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि देखो अगर नोटिफिकेशन आई तो 2 महीने में पेपर भी हो जाएगा, और आपको दिख रहा है ना कि 2 महीने में सिलेबस खत्म नहीं होता, सिलेबस खत्म होता है 4.5 महीने में, और इतना टाइम मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए आपने क्या करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है जो तैयारी करना चाहते हैं, डेमो लेक्चर्स देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड यूजर हैं आप, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन का नाम है सिविल स्टेप हिमाचल, तो उस पर जब आप क्लिक जो करोगे हमारे इंस्टॉल करोगे तो उसमें भी आपको डेमो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको हर एक चीज आज की क्लास में समझ आ गई होगी, बाकी अब हम क्लासेस में मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।